इसमें लिखेंगे वे यौगिक, वे यौगिक अभी लिखेंगे। हाँ, ये इसकी ओरिजिनल परिभाषा है, वो जो कल तुमने संकुल यौगिक की परिभाषा लिखी थी वो संकुल लवण की परिभाषा थी और वो उनमें अंतर था एक तरीके से दोनों में, दिग लवण में संकुल लवण में। ये उप तय संयोजक यौगिक जो चैप्टर चल रहा है वो यहाँ से चैप्टर तुम्हारा चलता है, ये इसकी परिभाषा है। तो यहाँ से लिखेंगे वे यौगिक जिसमें जिसमें देखो एक मिनट इधर देख लेना, बार बार इसमें शब्द आएगा केंद्रीय धातु, तो केंद्रीय धातु का अगर तुम लिख दोगे परमाणु अणु अथवा आयन, वो कुछ भी हो सकता है। तो केंद्रीय धातु बार बार लिख रहे हैं, उसके आगे तुम बार बार ये लिख दोगे। तो वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु या कितना परमाणु अणु अथवा आयन किसी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह आयन वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन किसी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह से जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह से जुड़ा होता है उप सह संयोजक यौगिक या जटिल यौगिक कहलाते हैं। नीचे हेडिंग देंगे, तीन प्रकार के होते हैं। हेडिंग डाला हुआ तुमने जटिल यौगिक या संकुल यौगिक के प्रकार, और उसमें डैश लगा लिख दो, यह निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिख देंगे धनावेशित, ऋणावेशित और थर्ड धनावेशित होगी, ऋणावेशित होगी, उदासीन होगी। पहला वाला हेडिंग डाल देना। अरे अब दुनियादारी की बात है, बाद में कर लियो, पहले काम की चीज देख लो। ये तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे अगर जो तुमसे एक परिभाषा मिस होगी तो। अरे उसके बातों पे ध्यान मत देख रहे, उसका तो जोड़ना उड़ गया और बाकी बच्चा कुछ अगले साल निकल लेगा। हाँ पहले इस बहस में कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो फेल होने पे भी लड्डू बांटेंगे और कोल्ड ड्रिंक खुलवाएंगे, तभी तो बोल रहा हूँ। तो जो लोग पास होना चाह रहे हैं या जो लोग अपने आगे को फ्यूचर में धोखा ना खाने चाह रहे, वो लोग तो इनके चक्कर मत पड़ो। इसमें लेंगे धनावेशित में वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जिसमें उप सह संयोजन क्षेत्र उप सह संयोजन क्षेत्र पर कुल आवेश वे सह संयोजन यौगिक, मतलब वे संकुल यौगिक जिसमें उप सह संयोजन नहलास्ट में उप सह संयोजन क्षेत्र पर कुल आवेश
धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनावेशित संकुल योगी कहलाते हैं, धनावेशित संकुल योगी कहलाते हैं। कहलाते हैं, हो गया। अब देखो इधर, इसमें तुम लिख दोगे कुल नेट आवेश ऋणात्मक ऋणावेश होता है, और इसमें लिख दोगे शून्य होता है। दोनों परिभाषाएं लिख दो फटाफट, एक शब्द ऐड करना है, एक शब्द चेंज करना है, बस बाकी सेम परिभाषाएं। धनावेश की जगह ऋणावेश और शून्य लिखना है, अलग अलग दो परिभाषाएं लिख दो। क्या लिख दोगे, जगह छोड़ लो, जगह छोड़ दो, लिख देना जितनी लाइनों में जगह, जितनी लाइनों में आ रही है ना वो उतनी जगह छोड़ दो, हेडिंग डाल डाल के जगह छोड़ दो। हेडिंग डाल देंगे देखो, गागर में सागर का नाम सुना होगा तुमने, गागर मतलब घड़ा है, घड़े में सागर भरेंगे आज हम। संकुल योग के प्रकार, ये संकुल योग से संबंधित परिभाषाएं, छह सात परिभाषाएं एक साथ आ जाएंगी एक ही चित्र में, तो मैं चित्र बना रहा हूँ वो, उसमें सारी चीज़ आएंगी। एक एक करके उनकी परिभाषाएं बाद में लिखेंगे, अगर हम परिभाषाएं लिखेंगे ना तो अभी एक दो दिन तुम्हारी वो परिभाषा ही चलेंगी, लेकिन तुम एक बात समझ गए ना तो फिर सिंपल सिंपल तरीके से अपना आप भी लिख लोगे। संकुल यौगिकों से संबंधित परिभाषाएं, परिभाषाएं बहुवचन में लिखना जरा। आईयूपीएससी की तैयारी चल रही है याद रखना, और ये सारा काम जो है वो आईयूपीएससी के लिए हो रहा है। अब आईयूपीएससी में बार बार नियम आएंगे, केंद्र धातु, अब किसी को केंद्र धातु नहीं पता होगा तो आईयूपीएससी कैसे करेगा। देखो इधर, आप जरा ये होता है, सुन लो एक मिनट, ये होता है उप सह संयोजक यौगिक जो कि बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहां कुछ भी तुम समझ सकते हो, एफ ई सी एन का होल सिक्स, इधर तुम पोटेशियम वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, अगर इधर नहीं तो इधर भी आ सकता है, वो कुछ भी आ सकता है, इतना कुछ होगा तुम्हारे पास। एक बार में या तो ये धनावेश होगा मतलब इधर की साइड लिखा होगा, या इधर की साइड लिखा होगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है जी। अब इसमें ये जो है ये कहलाती है केंद्रीय धातु, ये जो है ये कहलाते हैं लिगेंड। कहीं कहीं छोटी की मात्रा से लिखा होता है, कहीं कहीं बड़ी की मात्रा से लिखा होता है, तुम तो एग्जाम में लिगेंड जैसे लिखा है उसी हिसाब से लिखना है। परिभाषा बहुत बार आ रखी है, लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक है, लिगेंड अभी परिभाषा लिखेंगे, फिर लिगेंड के बाद में ये जितनी संख्या होती है ना, ये संख्या जितनी होती है ये कहलाती है उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या, संयोजन संख्या। और जी ये कहलाता है पूरा, ये जो सीएन को कहेंगे आयनन क्षेत्र, यहां से उधर जो पूरा ब्रैकेट है कैपिटल ब्रैकेट, ये होता है तुम्हारा उपसह संयोजन, जो अभी तुमने नाम लिखा था उपसह संयोजन क्षेत्र, यहां से यहां तक के क्षेत्र को कहते हैं उपसह संयोजन क्षेत्र, ठीक है जी। और इसमें अभी दिखाई दे नहीं रहा है, मतलब इस हम पोटेशियम घटा दे तो इस पर प्लस तीन आवेश आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, तो इसकी अपनी ऑक्सीजन संख्या भी होती है, तो ऑक्सीजन संख्या की परिभाषा वैसे तुम्हें पता होती है कि किसी भी उसमें अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं उनकी सब ऑक्सीजन संख्या कहलाती है, तो हर किसी की अपनी अलग अलग होती है, तो यहाँ तो खैर लिख नहीं रहे, लेकिन ऑक्सीजन संख्या की परिभाषा हम लिखेंगे। तो एक दो तीन चार पाँच परिभाषाएँ तुम लिखने वाले हो, और पाँच परिभाषाओं में छः परिभाषाएँ तो अपनी खुद लिगेंड की अपनी परिभाषाएँ, ठीक है जी। तो ये अपनी अलग अलग परिभाषाओं के साथ लिखने वालों, ये पूरा बना लोगे, और सबसे पहले हेडिंग तुम लिख दोगे केंद्रीय धातु,
ये भी आयनन क्षेत्र होगा, इधर का भी और इधर का भी। चाहो तो तुम इसे ऐसा लिख सकते हो, एक साथ जाएंगे या तो ये आएगा या ये आएगा। तो इधर का भी क्षेत्र आयनन क्षेत्र, ब्रैकेट से बाहर का क्षेत्र जो होता है ना वो आयनन क्षेत्र कहलाता है। यौगिक तो इतना बड़ा होगा कि उस बोर्ड से यहाँ तक, यहाँ तक आएगा। ये सबसे छोटा यौगिक है, उपसहज है इसका, जैसे नाम लिखेंगे। जबकि नाम लिखना स्टार्ट करेंगे ना, नाम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तुम्हारी कॉपी के पेज में तो आएगा नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आके खत्म होगा। आईयूपीएसी नाम, हाँ चित्र नाम सब। और केंद्र धातु नंबर वन करके परिभाषा लिख देंगे, वन वन टू थ्री वाला वन लिखेंगे, केंद्र धातु। हाँ ये चित्र बना लेंगे। उप सह संयोजक यौगिकों में उप सह संयोजक, अंतर समझो, सह संयोजन न सिर्फ क्षेत्र है बाकी तो कह या संयोजी होते हैं। उप सह संयोजक यौगिकों में वे धातु, वे धातु जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है। अब वो तुमने धातु का वो चीज लिखी नहीं होगी, मैं बोल रहा था कि जहां धातु का नाम आ जाए वो तो मैं केंद्र धातु, चलो अब छोड़ो रहने दो, चलो चलो कोई नहीं रहने दो। वे धातु जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है, यहां लिख दो केंद्र धातु ब्रैकेट में लिख देना, परमाणु अणु अथवा आयन कहलाती है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है केंद्र धातु परमाणु अथवा आयन कहलाती है। कहलाती है हेड डाल देंगे लिगेंड, लिगेंड लिगेंड को ना थोड़ा सा ना इंग्लिश में भी लिख देना, अच्छा सा लगेगा क्योंकि ये और हिंदी में पता ही सकते हैं ये लिगेंड इंग्लिश का शब्द लिखा है, इसे कहते हैं हिंदी में संलग्नी। हाँ संलग्नी भी आ सकता है एग्जाम में। अब देखो इधर, अब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो क्योंकि बार बार एक ही चीज आती है तुम लोगों को पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है, लिगेंड विगेंड या होते क्या है। एक सेकंड में तो इसमें लिख देंगे, एक मिनट अभी आ रहा हूं। अरे नहीं सुन लो यार, एक मिनट बार बोले मत जाओ। एक क्या होता है, एक होता है कि इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो आपस में इनमें कोई इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कुछ नहीं है, ये प्लस ये माइनस एक तरीके से बल के कारण, जैसे चुंबक खींचती है इस तरह बल के कारण आपस में रुके रहते हैं, ये आयनिक यौगिक कहलाते हैं। एक होते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तू दे एक इलेक्ट्रॉन मैं दूं, आपस में बंध बनाएंगे, ये कहलाता है सहसंयोजक बंध, और यौगिक कहलाएंगे सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी। एक होता है कि भाई एक के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक के पास है, सोचो किसी एक के पास ही है, इसने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए तो बंद बनेगा ये वाला, और अगर जो बिना इलेक्ट्रॉन दिए होते तो बंद बनता ये वाला। इससे बदल रहा है इसने इसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं या इसने इसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये कहलाता है उप सहसंयोजी यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक, एक ही बात होती है, ये होती है। अब हम जो पढ़ लें ना वो हम ये पढ़ लें जी, ये कहाँ पढ़ लिया, ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर चार जो होता है ना वो सहसंयोजक यौगिक को ही होता है, जिसमें BSEPR सिद्धांत आता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, ये किसी को याद होगा BBT आती है, ऐसा क्या होता है। तो वो जो सिद्धांत पढ़ा था वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, अब इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें फिर दोबारा आने वाली हैं, BBT आने वाली है, इसमें एक नई थ्योरी आ जाएगी CFT आ जाएगी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ जाती है। तो बाकी सारी चीज़ें जो फर्स्ट ईयर में तुमने पढ़ी है, समावयवता IUPAC और उनके सिद्धांत वगैरह, वो सब इन यौगिकों के लिए आ जाएंगे। अब याद रखना इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं,
अब ध्यान से देखो, इन दोनों में लिगेंड कौन सा है, तो सही से समझ लेना, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन वो तो लिगेंड कहलाता है, और जो ले रहा है ना वो केंद्रीय धातु है। केंद्रीय धातु कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन देती नहीं, केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करेगी, और वो भी एक नहीं दोनों के दोनों ग्रहण करेगी। इस चैप्टर में जो भी बंद बनेगा वो हमेशा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई एक ही देगा, ठीक है जी। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लिगेंड है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है जी। अब सुनो, लिगेंड कैसा होता है, अगर इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा देता है, एक जोड़ा हमेशा युग्म देगा, एक जोड़ा देता है तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाता है। मोनोडेंटेड मतलब एक युग्म दे रहा है। हो सकता है वो तो के पास इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो जोड़े दे सकते हैं, तो ये बाइडेंटेड या डाइडेंटेड भी कहलाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे पूरे यौगिक होंगे जिनके पास अपने तीन इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, तो वो कहलाएंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। परिभाषा क्या होगी, वे लिगेंड जो किसी केंद्रीय धातु परमाणु अथवा अणु को तीन इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं, जो दो देते हैं बाइडेंटेड कहलाते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। हाँ जी, अब अगर जो चार इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा तो टेट्राडेंटेड कहलाएगा, टेट्रा। हाँ, हिंदी में क्या कहेंगे, चतुर्थ। पांच इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो पंच, इंग्लिश में हिंदी में तो पंच कहेंगे, और उसमें पेंटा कहेंगे, पेंटाडेंटेड लिगेंड। अब छह, मैक्सिमम छह दे सकता है, सात नहीं दे सकता है, अगर छह देंगे तो हेक्साडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है जी। सबके अपने अपने उदाहरण चलेंगे। अरे तो अभी लिगेंड की परिभाषा आ रही है, फिर दोबारा सुन लो लिगेंड की परिभाषा, के वे समूह। वे समूह का मतलब ये मत समझना कोई तत्व ही होगा, पूरा समूह भी हो सकता है। जैसे कि H2O में H पर तो इलेक्ट्रॉन बचते नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पर चार इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, छह होते हैं ना, दो तो बंद बनाने में खत्म हो गए, चार बच गए, तो चार का मतलब क्या, ऑक्सीजन जब चाहे दो इलेक्ट्रॉन भी देख सकता है, तो वो ऑक्सीजन नहीं देगा, पूरे का पूरा जल देगा, ऐसा होता है। तो अब कुछ ऐसे होते हैं सर, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में हाइड्रोजन पर तो है नहीं, वो तो खत्म है, उसके साझेदारी का, इसमें पांच होते हैं तो तीन तो खर्च हो गए, अभी दो बचे हैं, तो अमोनिया जो है वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, दो नहीं दे सकता, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जो दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, छह भी दे सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह, तो दाता समूह ही लिगेंड कहलाते हैं, यही परिभाषा आ रही है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन युग्म जो देगा, पूरे का पूरा जोड़ा देगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तीन नहीं देगा, पांच नहीं देगा, हमेशा दो चार छह आठ में देगा, तो ऐसे समूह जितने भी होंगे वो सब लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है जी। अभी दिखाएंगे ऐसा होगा, ऐसे एफ ई, यहां भी सीएन जुड़ा होगा, यहां भी सीएन जुड़ा होगा, यहां भी सीएन, यहां भी सीएन, और ये ऐसे जुड़े होंगे ये वाले बंद से। अब से पहले तुमने ऐसे देखोगे सिंगल सिंगल बंद वाले, अब फिर तीर वाले बंद से जुड़ेंगे, इसका मतलब है इस सीएन ने। अब सीएन में देखो, सीएन में मतलब क्या है, कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन के पांच होते हैं, तो अभी तीन बंद इसने बना रखे हैं साइनाइड से, नाइट्रोजन दे रहा है इसमें से, ऐसा होता है। तो तुम्हें इससे मतलब नहीं कौन दे रहा है, तुम्हें तो सिर्फ ये मतलब है कि लिगेंड जोड़ जाए, ये होता है। परिभाषा लिखेंगे इसमें, परिभाषा लिखेंगे, वे समूह अथवा आयन, वे समूह अथवा आयन, वे समूह अथवा आयन जो जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को, वे समूह अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को वे समूह अथवा आयन, एक ही बात है, वे समूह अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु अणु अथवा आयन को एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है लिगेंड कहलाता है,
लिगेंड कहलाता है, निजाइडी लिख देंगे, लिगेंड के प्रकार। यह निम्नलिखित छह प्रकार के होते हैं। हाँ जी, अभी लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। देखो भाई जल्दी फटाफट। इसे ना ले ऐड कर देना, एकल लिख देना, एकल दंतों को। षष्ठ दंतुक हेक्सा डेंटेड। हेक्सा षष्ठ हाँ
कौन सा? ये हेक्सा, एच ई एक्स ए। हेक्सा ना दिखाई दे रही है यार, कैसा आदमी है। देखो इधर कहाँ तक आ गए, यहाँ तक। अब सुन लो एक मिनट, अरे सुन तो लो पहले एक मिनट। एकल दंतु के लिगैंड में परिभाषा सुन लो, इधर सुन लो पहले एक मिनट। वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु अणु अथवा आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, एकल दंतु के लिगैंड कहलाते हैं। जैसे कि ये आ गए, अब दूसरी परिभाषा तुम लिखोगे द्विदंतुक की। परिभाषा यही है, क्या शब्द आ जाएगा द्विदंतुक में, जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, और उसका उदाहरण आ जाएगा ये। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं कि तीसरी परिभाषा एकदम से लिखो, इसके लिए नाम लिखने के लिए जगह छोड़ना, दो लाइनों की जगह छोड़ देना, नाम लिखना। मैं लिख देता लेकिन मैं समझा के बताऊंगा कि नाम लिखे कैसे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी तो तुम लिख दोगे, दो लाइनें छोड़ देना नाम लिखने। ऐसे ही इसमें भी, जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन युग्म दान होते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चार वाले में ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पाँच वाले में ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, छठे वाले का एग्जाम्पल ये है। जल्दी बड़ा बड़ जरा